ये सांप 29 किलोमीटर की रफ्तार से मूव कर सकता है। इसे साइडविंडर सांप भी कहा जाता है। दरअसल इसे यह नाम उसके चलने के स्टाइल से मिला है। कहा जाता है कि यह सांप गर्म और सूखे रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके चलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। दरअसल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी बॉडी को साइडवेज पर ले जाता है। ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप है। इसके शरीर का आकार सिर्फ इससे चलने में ही नहीं बल्कि इससे फिसलने से भी बचाता है। साइड वाइंडिंग में इसके सिर्फ दो हिस्से ही इसे आगे बढ़ने में मदद करता है, इसके सर और इसके पूंछ, जिसमें इसके बॉडी इसके सर पे फोर्स लगाता है और इसके पूंछ इसके बॉडी पर फोर्स डालने की कोशिश करता है। और ऐसी ही तरह तरह के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फोरियो को सब्सक्राइब करें।